Welcome to this math session, students. We are seeing your chapter M2, that is set, relation and function. Set, relation and function में हम अभी तक दो एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं. Those exercises are M2.1, M2.2. M2.1 and M2.2 both were dependent on sets only. ये दोनों एक्सरसाइज आपके सेट पे ही डिपेंड कर रहे थे. जहां पे हमने M2.1 में सेट का बेसिक पढ़ा, सेट के टाइप्स पढ़े, राइट, एंड एज वेल एज इंटरवल के बारे में पढ़ा. वॉट इज क्लोज इंटरवल, वॉट इज ओपन इंटरवल. M2.2 में हमने सेट के ऑपरेशन पढ़े, हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने वेन डायग्राम पढ़ा और कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, लाइक दैट. इनके बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन देखे. अब जब आप सेट के सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो, सारे कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, now it is time to go on one more level and learn the next topic of this chapter, that is relation. Relation and function वो दोनों एक दूसरे पे dependent है. बाकी की दो exercise और हैं ये chapter में, M2.3, M2.4. M2.3 में हम पढ़ने वाले हैं relations, M2.4 में हम पढ़ेंगे functions. Is this clear everyone? Right? So be ready. अब हम relation शुरू करने वाले हैं. Relation शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा. जैसे सेट के ऊपर हम एक और ऑपरेशन पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. ये क्या होता है ये समझेंगे. डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट. उसके बाद हम रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे. इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, वो सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी हम अभी देख सकते हैं या नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं. डिपेंड्स, देखते हैं कैसे आप ग्रास्प कर रहे हो, उस तरीके से देखेंगे. सो फंक्शन किस तरीके से रिलेशन होता है एंड फंक्शन का इमेज, प्री इमेज, डोमेन और कोडोमेन, जैसे पहले रिलेशन का देखेंगे वैसे ही फंक्शन का. एंड अगर कोई रिलेशन आपको दिया गया है तो वो फंक्शन है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो हम चीजें देखने वाले हैं यहाँ पे. वन बाय वन शुरू करते हैं. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले भी आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर्ड पेयर. कि हम ऑर्डर्ड पेयर कब बोल सकते हैं. पहले मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाता हूं, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे करने वो समझाता हूं वन बाय वन. इफ स्मॉल ए इज वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट मीन्स स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी. स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट है. नाउ पेयर ए कॉमा बी, माइंड वेल इट इज नॉट ओपन इंटरवल. ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये मैं पेयर लिख रहा हूं. पेयर मैं कैसे लिख रहा हूं, ओपन ब्रैकेट, राइट, योर नॉर्मल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी. Then A comma B is called ordered pair from A to B, right? मतलब अगर A में से कोई एक एलिमेंट, B में से कोई एक एलिमेंट, उनको मैं एक साथ लिख रहा हूं तो वो उसकी एक ऑर्डर पेयर हो जाएगी. एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज A में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, B में आपके पास एलिमेंट है 4, 5, राइट. तो मुझे ये बताओ क्या 1, 4 एक ऑर्डर पेयर हो सकती है, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हो सकती है कि नहीं, हाँ या ना, कमान कमान. ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी, ए का एक एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट. सिमिलरली 1 के साथ 5 भी तो हो सकता है, राइट, 1, 5, यस और नो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, सिमिलरली 2 के साथ हो सकता है 2, 4, 2, 5, एंड फाइनली 3, 4, 3, 5. क्या ये सारी ऑर्डर पेयर हो सकती है? ऑल दिस आर ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी और नॉट? यस सर. यस, सो ऑल दिस आर ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी.
ये आपकी ऑर्डर पैर की डेफिनेशन हो गई कि ए का आप एक एलिमेंट उठा रहे हो, बी का आप एक एलिमेंट उठा रहे हो, उन दोनों को पैर वाइज लिख रहे हो। ऑर्डर पैर इज समथिंग लाइक जैसे आप कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, याद है कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, राइट? यस यस क्रिश, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो भी आपका कॉमन ऑर्डर पर आएगा। तो जैसे टू अगर मान लो दोनों में कॉमन है तो टू कॉमा टू भी आएगा। यस निकू, यस वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सो ये ऑर्डर पेयर वाला कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर ये क्लियर है तो। ग्रेट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हाँ अभी लिखने में जल्दबाजी मत करो, मैं लिखने का आपको पूरा टाइम दूंगा, दो दो चीजें पढ़ेंगे, दो दो चीजें लिखने का टाइम दूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नाउ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के सारे ऑर्डर पेयर्स का सेट, उसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए क्रॉस बी, राइट? कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट को सिंबॉलिकली ए क्रॉस बी लिखा जाता है। तो ए क्रॉस बी में समझना, यहाँ पे अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इट इज योर सेट, ए क्रॉस बी इज योर सेट, जहां पे आपकी सारी ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिखोगे एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। ये आपके हो गए सेट बिल्डर फॉर्म। अगर एक एग्जाम्पल जैसे ऊपर हमने देखा ए वन टू थ्री है, बी में आपके पास है फोर कॉमा फाइव, सारे ऑर्डर पेयर्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब वो सारे ऑर्डर पेयर्स को अगर मैं एक सेट में लिख रहा हूं तो दैट विल बी योर कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? जैसे सबको सेट में लिख रहा हूं तो वन के साथ पॉसिबल है वन फोर, देन वन फाइव, टू के साथ टू फोर टू फाइव, थ्री के साथ थ्री फोर थ्री फाइव। Is this clear or not, everyone? Please give me some response. Hi, Anna, right? It is something like your distributive property. जैसे आप वन को पहले पकड़ रहे हो, राइट? वन को आप पहले दोनों के साथ पैर बना रहे हो, वन फोर वन फाइव, देन टू फोर टू फाइव और थ्री फोर थ्री फाइव। क्लियर एवरी वन, राइट? अब नॉट और पैन लो और इसको लिख दो, अब मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। तो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इतना पहले लिख दो ये दोनों चीजें।